यहाँ पे भी स्टूल बने हुए हैं कि लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, और जब मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, उनके लिए बने हुए। और ये दूसरी तरफ ये साइकिल्स के जितने भी स्टैंड हैं यहाँ पे हैं, और इसमें साइकिलें जाती हैं यहाँ पे, ये इसके अंदर ये सारी साइकिलें। और ये बर्गर किंग का बना हुआ है यहाँ पे शॉप। और ये जो है म्यूज़ियम है एक, यहाँ पे बच्चों के लिए अक्सर ज़्यादातर यहाँ पे म्यूज़ियम में चीज़ें रखी हुई हैं। और ये है बिलीव इट और नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे इसका नाम है। और ये देखिए अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अंदर खड़े हुए है ये आदमी, लेकिन ये है नहीं, है हुआ ऐसे, ये मुजस्मा सा बनाया हुआ है यहाँ पे ये ऐसे। और ये इसका नाम है बिलीव इट और नॉट। और ये इसके अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, ये शोज होते हैं, ये उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो स्टेचू आपको दिखाया था होसी आनसन, ये उसकी पिक्चर भी बनी हुई है यहाँ पे। यहाँ इसके म्यूज़ियम के अंदर ये सारे, और यहाँ पे इसके मुख्तलिफ शॉप्स हैं। और ये यहाँ पे ये पौधे लगाए हुए हैं। ये एक होटल है बहुत मशहूर यहाँ का, पैलेस होटल इसका नाम है। ये यहाँ पे बहुत पुराना बना हुआ है, ये पैलेस होटल है। और ये यहाँ इसके ये उसके हाउस प्लेसेंट के पास ही है। ये झूली गार्डन है, ये इसका बैक साइड है, इसमें झूले लगे हुए हैं। ये झूले हैं इसके अंदर नीचे को, और भी ये इसके जो चलने वाले झूले हैं वो भी लगे हुए हैं। और ये स्ट्रीट है यहाँ पे ये है, और ये इसका लिखा हुआ है नाम झूली। और ये यहाँ इसका एक गेट है, ये दूसरी साइड है मेन इंट्रेंस, इसकी दूसरी तरफ है, ये दूसरी साइड है इसकी, यहाँ भी इंट्रेंस है। और ये इसका टावर जो है बना हुआ है, ये नया बनाया इन्होंने, यानी उसके ऊपर जो है स्विंग झूला जाता है, उसके ऊपर घूमता है और फिर नीचे वापस आता है। और आगे भी वो झूले लगे हुए हैं। ये मेन रेलवे स्टेशन जो है उसका बैक साइड है, जो सबसे बड़ा कोपेनहेगन का स्टेशन है, इसको हुड बैंकॉन कहते हैं। यहाँ इसमें टाइमिंग मुख्तलिफ लिखे हुए हैं कि कौन सी ट्रेन किस वक्त जाएगी, वो क्या टाइम है उसका, और कौन सा रूट है उसका, कौन सा नंबर है। यहाँ पे आपने कोई कार्ड लेना है या टिकट लेना है, और यहाँ से आप ले सकते हैं। पहले टिकट्स को कहते हैं छो आवगान, यानी ट्रेन का वो इंग्लिश में भी लिखा हुआ टिकट्स एंड ट्रेन डिपार्चर्स। तो यहाँ इसके टाइमिंग लिखे हुए हैं, जो भी आपने पुश करेंगे ख़ुद ही आप चूज़ करेंगे कि कहाँ आपने जाना है, किस तरफ जाना है, वो सारे आप बटन दबाएंगे, टिकट आप लेंगे, एक जोन लेना है, दो जोन लेना है, कौन से एरिया में जाना है आपने। यहाँ ये कार्ड है, उसकी पेमेंट है, आप यहाँ पे कार्ड और यहाँ पे कार्ड डालेंगे, और अगर वायरलेस है तो वायरलेस के ज़रिए भी स्कैन कर देंगे, और इसका कोड नंबर वगैरह लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर ये लिखा हुआ है उन्होंने, देखें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, सिंगल ट्रिप टिकट्स, टूरिस्ट टिकट्स, सीट रिजर्वेशन, बाइसिकल और साइकिल का टिकट लेना है अगर वो भी है। और यहाँ इसका जो है, अगर आपने दूसरा कार्ड वो जो होता है स्कैन वाला, उसका सिस्टम है यहाँ पे ये बना हुआ है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। साठ डस्टबिन जो हर जगह पे होता है। और पिछला साइड है इसके, ट्रेनों के नंबर हैं यहाँ पे, और यहाँ ये मैप तो लगा हुआ आपने देखा, और यहाँ पे साइकिलों का स्टैंड। और ये इस तरफ तो ट्रेन के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट नंबर्स उनके लिखे हुए हैं, किस नंबर पे आपने जाना है, कौन सी ट्रेन आएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस नंबर पे आपने जाना है। उसका पोर्ट लिखा हुआ है नीचे, 9 बजे आएगी वो, एक दो मिनट के बाद यहाँ पे वो ट्रेन आएगी, उसकी ये साइड बनी हुई है।
और उसके बाद दूसरी साइड है इसकी, ये बना हुआ है यहाँ पे, और ये इसका बस स्टॉप है यहाँ का, ये भी बना हुआ है यहाँ पे, और मुख्तलिफ यहाँ पे इनके वो हैं, वो इनके लिखे हुए हैं। और ये साइकिल के स्टैंड हैं, साइकिल जहाँ भी हैं सारी यहाँ पे पार्क कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ अनाउंसमेंट भी हो रही है किसी ट्रेन की, तो ये मुख्तलिफ ट्रेन जो हैं यहाँ पे उनके रूट्स हैं, नंबर्स हैं, वो जो आप फॉलो करेंगे फिर जहाँ जाना है आपने फिर वहाँ चले जाएंगे। ये इसका बैक साइड है मेन रेलवे स्टेशन, एक वीडियो में मैंने दूसरी साइड दिखाई थी, तो ये उसका बैक साइड है। इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, टिकट्स टाइमिंग लिखे हुए, आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है ये वहाँ से ये इसका लिखा हुआ है, ओल्बो एयरपोर्ट पे जाना है या आगे कहीं जाना है आपने, वो सारी इसकी इंफॉर्मेशन है। इस तरफ आप इसको लिफ्ट भी ले सकते हैं, सामने लिफ्ट भी हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से लिफ्ट भी ले लें दूसरी साइड पे, यहाँ पे जाके आप लिफ्ट लेंगे, इंफॉर्मेशन यहाँ भी लिखी हुई है, और आप यहाँ से लिफ्ट ले लेंगे तो उस तरह जा सकते हैं, या नहीं तो आप जो है वो सीढ़ियाँ जैसे आपको बताएँ पहले, आप यहाँ से सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से सीढ़ियों के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये सीढ़ियाँ यहाँ, ये सीढ़ियाँ ले लेंगे यहाँ से और नीचे चले जाएंगे जहाँ आपने जाना है, और जिस नंबर पे जाना है साफ काफ़ी नंबर नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है मेन रेलवे स्टेशन है बहुत बड़ा है, उसमें आपने जिस नंबर में जाना तो वहाँ आप चले जाएंगे।